जी, मैं शनिवार के दिन जो वांगनी में पॉइंट्समैन का काम कर रहा था, तो उस दौरान एक बच्चा और उसकी माँ जो प्लेटफॉर्म से गुजर रही थी, वो लेडी तो ब्लाइंड थी लेकिन वो बच्चा शरारती था, वो बच्चा धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से किनारे जा और गया और फिर नीचे गिर पड़ा। तो मैं नीचे खड़ा था वो झंडी दिखाने के लिए, उसी दौरान वो ट्रेन भी सामने से आ रही थी और वो बच्चे की माँ को बच्चा हाथ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो ब्लाइंड थी पूरी तरह से। तो फिर मैंने सोचा उसकी जान बचाना है तो अपने को कुछ प्रयास करना जरूरी है, फिर मैंने दौड़ लगाई लेकिन बीच में मेरे को ख्याल आया कि शायद ये अपनी जान पे भी आ सकता है। फिर मेरे को बच्चा दिखाई दिया सामने कि मैं उसको बचाना, अगर बचा सकता हूँ तो उसकी जान अच्छे से सुरक्षित रह सकती है। लेकिन उस काम में मुझे बहुत सारा यश मिला और 100% मेरा काम यशस्वी हुआ। इस सीसीडी सामने आने के बाद कई लोगों ने आपको शुभकामनाएं दी होगी, कई लोगों ने भी पीयूष गोयल सर ने भी ट्वीट किए, तो आपको किस तरह का फोन आया, लोगों को आपको शुभेच्छा दिया गया? जी सर, समाज माध्यम से और रेलवे प्रशासन से हर जगह से मेरे पे अप्रिशिएट हो रहा है। तो फिर मेरे को ऐसा गर्व महसूस हो रहा है कि जिंदगी में अपने हाथों से कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो शायद वो बच्चे की भी जान बच गई और अपने से कुछ समाज में एक अच्छा पॉजिटिव ये सामने आया कि चलो समाज में कोई लोग ऐसे देखते रहते हैं लेकिन ये सब देखने वाली चीजें नहीं है। जी ने भी ट्वीट किया कि उनका कॉल आया। हाँ, उनका पर्सनल कॉल आया था, मेरे को पर्सनल कॉल किया था उन्होंने, पीयूष गोयल सर माननीय, तो उन्होंने भी कॉल किया था, उन्होंने बहुत बहुत बधाई दी और मेरे को बहुत सारा कि ऐसे काम करते हो, रेलवे के कॉलर ऊपर की, फिर बहुत सारा उन्होंने धन्यवाद भी दिया मेरे को। आपको एक ट्विटर पे सुपरमैन का नाम दिया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि काफी प्रसिद्ध हो गए आप जिस तरह से, इस कुछ मात्र कुछ ही सेकंड में किसी की जान बचाना, लोग इतना जोखिम में डाल के नहीं जाते, लेकिन आपने जिस तरह से काम किया। जी, सोशल मीडिया का जमाना है तो आजकल तो सब लोग देखते रहते हैं और अच्छे कामों को सराहा जाता है, तो मैं तो ज्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहता लेकिन ये सब सुन के और देखकर फिर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। कुछ महिला की जो जिसको आपने बचाया उसकी माँ का क्या रिस्पॉन्स है, जो आपने उनको बचाया, क्योंकि हार्डली कुछ ही सेकंड, 6 सेकंड की बात करते हैं, सामने से रेलवे जिस तरह से रफ्तार में आ रही थी, जी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स? वो तो एकदम बेहोश हो गई थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया क्या नहीं, क्योंकि ब्लाइंड थी पूरी तरह से, उनको पता भी नहीं था बच्चा बच गया या कुछ हो गया, लेकिन फिर उनको बताया कि आपका बच्चा बच गया, तो बहुत एकदम इमोशनल हो गई। अच्छे, मेरे को बहुत सारा उन्होंने धन्यवाद दिया। शायद आपके जीवन में कभी अपने सामने इस तरह से चित्र सामने आया, उसके पर क्या पूछना चाहेंगे? नहीं, ऐसे समाज में बहुत सारा घटना घटती रहती है लेकिन बहुत सारा लोग देखते रहते और इसका वीडियो निकालते रहते, लेकिन ऐसी जान बचाने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं तो सबको यही कहना चाहूंगा, अगर अपने से कुछ समाज के लिए हो सकता है तो जरूर करना चाहिए।